हेलो जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और चलें जी, आज छुट्टी का दिन है, एक और नई रेसिपी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट उसमें मैंने अपने खुद के मसाले से जो है वो बना के डाली हुई है। थोड़ी सी जो है वो मुश्किल है। आज मैं आपको बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाने वाली जो है बीफ नली निहारी सिखाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि मैं शान के मसाले के साथ जो है बना रही हूँ। ये देखिए, शान के पैकेट के साथ बना रही हूँ। ये मेरे पास पैकेट है, 60 ग्राम वाला है, ये मैंने एक पैकेट लिया है, इसके साथ बना रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली शान के मसाले यूज़ करती हूँ। और मेरे पास यहाँ पर 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये गोश्त है, और ये बोंग है, ये आप देख रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े जो निहारी के पीस होते हैं ये उसमें कट करवाया, ये बोंग है। और 1.5 से 2 किलो के करीब मेरे पास ये देखें नली वाली हड्डी है, इतनी प्यारी हड्डी है, ये देखें आप ज़रा, बहुत ही खूबसूरत हड्डी है। और साथ में मेरे पास जो है ये, मैंने आपको मसाला बता दिया निहारी का, और मेरे पास ये 2 से 2.5 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो बहुत ही इजी तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये जो पैकेट है अपने इस 1 किलो के गोश्त में, 1 किलो से ज़्यादा में मैंने ये एक पैकेट यूज़ किया है, इसमें से सिर्फ मैंने 1 चम्मच जो है वो बचा के रखा है। ये बाद में आपको मैं बताऊंगी कि इसका बाद में क्या करना है हमने। तो चले आए स्टार्ट करते हैं अपनी बीफ नली निहारी की रेसिपी। अच्छा, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी और बहुत ईजी वाली निहारी बना रही हूँ, तो मैं आज कुकर में बनाऊँगी। मैं मोस्टली कुकर में नहीं बनाती, मैं क्या करती हूँ कि इसको ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे के लिए पकाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, बस कहीं जाना है, तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी मैं बनाऊँगी जी। तो मैंने अपने पॉट में जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है, और ज़रा 1-8 मिनट बस इसको फ्राई करेंगे, और फिर अपना ये गोश्त उसमें डालेंगे एहतियात के साथ। और गोश्त को पहले सेपरेटली 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से जो है जिंजर गार्लिक में भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें हड्डी डाल के फिर दोबारा से भूनेंगे। मुझे तो गोश्त देखें अच्छे से हो गया है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है, और ये भून भी गया है। अब इसमें हड्डी डालेंगे, और हड्डी को भी डालते हुए इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद ना मैं इसमें ये जो निहारी मसाला है ना, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसमें डालती हूँ, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है मसाला गोश्त में और हड्डियों में लग जाए। अब मैं इसको मज़ीद जो है 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनूंगी अच्छे से। ये देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मीन्स के मज़ेदार किस तरह से जो है ना ये फ्राई हो चुका है हमारा गोश्त भी और ये हड्डियाँ भी। अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर जो है इसमें मैं पानी डालूँगी, और 1 लीटर पानी डालने के बाद मैं इसको पहली विसल बजने के बाद 1 घंटे तक पकाऊंगी। अब मैं आपको 1 घंटे के बाद मिलती हूँ। चलिए जी, मुझे पूरे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए, बल्कि 40 मिनट से भी ज़्यादा, 1 घंटा मैंने जो है इसको प्रेशर कुकर दिया है। और इसके बाद मैंने गोश्त वगैरह सब कुछ जो है वो सेपरेट कर लिए। देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ये हमारा गोश्त हो गया है, हड्डियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये देखें जो गुदे वाली हड्डियाँ हैं वो मैंने रख ली हैं, और बाकी जो हड्डियाँ थी वो मैंने फेंक दी हैं। और अब इसमें हम आटा मिक्स करेंगे और इसको जो है गाढ़ा करेंगे। उसके लिए मैंने देखें आटे की कंसिस्टेंसी देखें ज़रा, ये बस ये रनी होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी लम्स कोई गुटली नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि मैंने इसको पहले घोला है, घोलने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया है, मैंने जो स्ट्रेनर है उसके साथ उसको स्ट्रेन किया है। अब जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने इस निहारी के जो ये हमारा है ग्रेवी है इसमें डालूंगी, और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ साथ मैं हिलाते जाऊंगी, उतना ही डालूंगी जितनी कि मुझे इसकी, जब मुझे इसकी थिकनेस मिल जाएगी बस उतना डालूंगी। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती है, इसमें कुछ मीन्स के ये नहीं है कि आपको इतना डालना है इतना नहीं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है जितना थिक आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग जो है बस आप इसमें डालते जाएं और इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाएं। जी तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मुझे इसकी जो थिकनेस है वो इतनी चाहिए थी, ये देखिए क्या शानदार किस्म की इसकी थिकनेस है। इस स्टेज पे आप इसमें
नमक मिर्च मसाले अपने सारे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ये जो पैकेट्स वाले मसाले होते हैं इनमें नमक थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है। मैंने एक्चुअली शुरू में ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त की क्वांटिटी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मैंने उसी टाइम पे इसमें गोश्त में नमक ऐड कर दिया था, तो इसलिए मुझे अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम जो है अपना ये गोश्त और ये सब इसमें ऐड करते हैं आराम से। ये देखें ये हो गया रेडी। अब इसको जो है मैं इसका तड़का तैयार करते हैं, ठीक है, और वो भी मैं आपको इसका बघार जो है लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये होगा। हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसके बीच में प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, प्याज डालूंगी इसमें। ब्राउन होगा और उसके बाद फिर हम जो है जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था अब वो इस टाइम पे डालेंगे इसमें। जी तो देखें प्याज कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है। अब इसमें जो है हम अपना ये एक चम्मच के करीब जो मसाला हमने रखा हुआ था निहारी का बचा के वो इसमें डालेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। बस इसमें मिक्स किया और चूल्हे को बंद कर देंगे। चलें जी ये हमारी निहारी और ये इसमें गया इसका ये तड़का। ये देखें लग रही है ना बिल्कुल ये रेस्टोरेंट के स्टाइल की निहारी, और ये यकीन माने ये उससे भी ज्यादा मजे की है, क्योंकि आपने ये घर पे बनाई है, ये घर पे बनी हुई निहारी है, ये बहुत ही ज्यादा मजे की है। इसको ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है, कोई झंझट नहीं है कुछ नहीं है। शाम का मसाला लीजिए और उसके साथ इसको बना दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इसके साथ आपको पता है जो इसके लवाजमात होते हैं धनिया हरी मिर्च और अदरक और लेमन के साथ इसको सर्व कीजिए और सबकी जो है वाह वाही जो है वो रिसीव कीजिए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली डिश के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।